नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गगनयान के बारे में। गगनयान से रेलवे एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अभी तक पूछा भी गया है, बट आगे और कौन कौन से पूछे जा सकते हैं अच्छे से देखेंगे, तो एंड तक बने रहना। स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, इस पहला ये जो पॉइंट है इसमें लिखा है, इसमें मनुष्य को पहली बार स्पेस में भेजा जाएगा। मनुष्य को पहली बार स्पेस में भेजा जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए अगला पॉइंट, इसमें यानी कि गगनयान में, इसमें पहले राकेश शर्मा, इससे पहले यानी कि इस गगनयान से पहले राकेश शर्मा एवं कल्पना चावला को विदेशी धरती से भेजा गया था, बट भारत की तरफ से भेजा जाने वाला ये पहला है जो भारत की खुद की धरती से भेजा जा रहा हो, ठीक है ना। आराम से समझ लेना, ये विदेशी धरती से भेजे गए थे, हालांकि थे तो भारतीय बट भारत की भूमि से नहीं भेजे गए थे। आगे देखिए, गगनयान के तहत सबसे पहले व्योममित्र नामक रोबोट को भेजकर जांच किया जाएगा गाइस, ठीक है ना। तो व्योममित्र नामक रोबोट, किस रोबोट को भेजा जाएगा ये वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। तो किस रोबोट को भेजा जाएगा गाइस, तो रोबोट जिसको भेजा जाएगा उसका नाम है व्योममित्र। व्योममिस होता है आकाश, मित्र मिस उसका दोस्त, यानी आकाश का वो दोस्त है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखिए, व्योममित्र दिसंबर 2021 में भेजा जाएगा। दिसंबर 2021 आपको पता चला गया तो वो व्योममित्र को भेज दिया गया, जबकि मनुष्य को दिसंबर 2022 में भेजा जाएगा, ठीक है। और इसका, ठीक है ना, और इसका गाइज रॉकेट कौन सा रहेगा, इस किस रॉकेट के थ्रू इसे भेजा जाएगा, GSLV MK3, जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा वजन उठा सकता है, ये वजन को थ्रू कर सकता है ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। इसमें बहुत ज़्यादा पावर है। तो हमने कितने पॉइंट डिस्कस किए, हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए, ठीक है। और गगन की फुल फॉर्म भी आप मेरा वो वाला वीडियो देख लेना, फुल फॉर्म वाला, वहाँ से आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि मैंने आपको बता दी। कोई दिक्कत वाली बात हो तो कमेंट कर देना। इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।